अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इफ़त और आप देख रहे हैं इफ़त इमरान यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ढाबे वाली चने की दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल मैंने रखा है 1 कप, क्योंकि चने की दाल में थोड़ा सा तेल जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। उसके बाद मैं डालूँगी ज़ीरा 1 बे लीफ और कश्मीरी लाल मिर्च 1 साबुत, ठीक है। अच्छा जी, देखिए मैंने इसमें ये डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसमें आधी प्याली जो है वो फ्राइड अनियन ऐड करूँगी, ठीक है। ये देखिए फ्राइड अनियन मैंने शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको भूनते रहेंगे। बस ये ख्याल रखिएगा कि मसाला आपका लगे ना। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, उसके बाद है पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, उसके बाद है पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, उसके बाद है पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ठीक है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम मेरी जो है वो मीडियम है कि मसाला मेरा जल ना जाए। इस पॉइंट पे मैं शामिल करूँगी 1 कप जो है वो टमाटर की प्यूरी, ठीक है। अगर आपके पास प्यूरी मौजूद ना हो तो इस टाइम पे जो है वो 2 या 3 टमाटर लेके आप उसको पेस्ट बना के डाल लीजिए। तो जरा आप ये देखें, प्यूरी मैंने शामिल कर दी है टमाटर की। मेरा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं चने की दाल जो मैंने बॉईल कर ली थी पहले ही, वो मैं शामिल करूँगी। तकरीबन 1.5 कप बॉईल करी थी मैंने, ठीक है। अभी मैंने इसमें शामिल किया है 1/2 टीस्पून जो है वो पेपरिका, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें आप, मैंने दाल शामिल कर ली है इसमें। अब इसको मैं हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ, ठीक है। बहुत ही जल्दी बनने वाली दाल है यार ये, अगर दाल बॉयल हुई भी आपके पास तो ठीक है, ठीक है। ताकि इसका ऑयल वगैरह जो है ना वो सारा ऊपर आ जाएगा, तो 5 से 7 मिनट जो है वो दम पे रख देना। और उसके बाद आपकी चॉइस है, आप इसमें हरी मिर्ची वगैरह गार्निश करके डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं डालूँगी, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह डिश आउट करने पर। तो जनाब, मैंने अपनी दाल जो है वो डिश आउट कर दी है। आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यमी लग रही है, खाने के बाद पता चलेगा अब कैसी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।